अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग? ओ क्रिमिनेटिव कहते तो कैसे हो आप सब लोग? हम लोग भाई, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना कुछ ऐसा ही कहे कि लोग हमारे वाला कॉपी करें। हम लोग क्रिमिनेटिव क्रिमिनेटिव जो है कि सब बताए तो कैसे हो आप सब लोग? इसी तरह तुल को स्टॉप, शफी कैसे बोलता था, क्या हाल है? आज एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट भी थी और बनी भी, रेल स्टोरी भी बनी थी, और दिव्या कुमार भी होती है इसमें। तो वॉच करते हैं मस्तों का झुंड। क्या मतलब मस्तों का झुंड? पंजाबी वर्ड है मेरे ख्याल, मतलब क्या है बताएगा जरूर। तो ये सॉन्ग है, देखते हैं कैसा सॉन्ग है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्ले कर दो। अच्छा, ये लोग जो हॉस्टल वगैरह में होते हैं सही होते हैं। अच्छा, ये सब म्यूजिक क्या हुआ ओरिजिनल में? मुंह वगैरह से जो जो म्यूजिक है वो उसी तरह कुछ है। पंजाबी सॉन्ग और इस सॉन्ग क्या कहते हैं इस मूवी के लिए पाना तो नहीं, मैंने लिखा था इस खत्म हो गई। ये वही बहुत मजा आता ना। अच्छा, ये मस्तों का जो मेरे ख्याल में मस्त लोगों का जो ग्रुप है, झुंड ग्रुप बोलते हैं। अरे सारे जो मस्तों का, तभी ये बोला रहे। मुझे तो ये मतलब लग रहा है, ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और बाकी सॉन्ग भी आता है, लोग डांस पे आते हैं जो ये लोग मतलब आर्मी वाले होते हैं। बिल्कुल, सॉन्ग बहुत ही अच्छा। अपने आप को दिखो क्या है, क्या लोग इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। मतलब ऐसे ही जब हॉस्टल में कोई मतलब होता है ना, दोस्त वगैरह है, मतलब एक साथ हवाल शुरू कर देते हैं, मतलब मस्ती शुरू कर देते हैं। बताऊंगा, ये मेरी मूवी बहुत ज्यादा अच्छी मूवी थी, ये हिट भी हुई थी और इस मूवी थी और इसमें जो है रेल स्टोरी पर बेस्ड थी ये मूवी। इसमें रेस चमकाता है, वो जीत जाता है, पहले हारता है। तो ये मूवी में, ये मूवी मैंने देखी है। ये फरहान अख्तर जो पाकिस्तान में होते है ना, इनका घर वगैरह, फिर जब ये लोग अलग हो जाए, हाँ, फिर उधर चला जाता है। जब ये अलग हो जाता है फिर ये वहाँ पे चला जाता है, फिर वहाँ से जो मतलब ये भाग दौड़ वगैरह में दौड़ का शौक होता है ना, इसको जो रेस होता है उसमें जो वो कर देते हैं। अच्छा, ये सॉन्ग गाया किसने था?
ये पता नहीं, ये सॉन्ग हमें बताएगा जरूर कि किसने गाया था। हवन करेंगे, अच्छा हवन करेंगे क्या मतलब, क्या था हवन, ये हवन क्या है, हवन करेंगे वो जहाज से यू यू करके उधर बेस पे जाए, उधर लगा कि इधर आती यू यू करके, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। अच्छा डांस भी इस तरह अच्छा डांस किया हुआ था, मतलब डांस तो मतलब हॉस्टल वाले का क्या डांस, उसी तरह दिखाया गया, उसी तरह दिखाया गया, कोई इस तरह मतलब इस तरह प्रोफेशनल जो है आजकल सब कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है डांस, सब मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। अच्छा वो मुंह से वैसे निकाल रहे थे वो किस तरह चेंज, मैंने पहले कह दिया ना कि मतलब म्यूजिक जो है वो किसी को इसी तरह जो है वैसे रहती है जो हम लोग करते हैं ना आजकल म्यूजिक में, वही भी आजकल रेज कर रहे। यार इस मूवी के लिए पता है, इस मूवी के लिए फरहान अख्तर ने एक मतलब एक पैसा भी नहीं लिया था शायद, फ्री में मतलब इस मूवी को बनाया, ये बहुत बड़ी, इसलिए तो ये मूवी बहुत ही मतलब, और ये मूवी में उसने वो भी लिया हुआ था जो कौन सा अवार्ड होता है, सिद्धार्थी अवार्ड से कहते हैं हम लोग, जो जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं वो प्रेसिडेंट के, हाँ प्रेसिडेंट जो देते हैं, अच्छा शायद वही अवार्ड भी मिला था इस मूवी को, इस मूवी के बारे में वो कुछ जानता हूँ। अच्छा तो ये तो सॉन्ग बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, भाग मिल्खा भाग है सॉन्ग, नाम क्या था इसका, हवन करेंगे, हवन करेंगे इसके, फिर भूल गया क्या बात है, मस्तों का झुंड, मस्तों का झुंड तो आप ही भूल गए ना, मस्तों में तो मैं सोचा की तरह होता है। अच्छा मस्तों का झुंड यही मतलब था, हमें तो यही लगा मस्त लोगों का झुंड, मस्त लोगों का झुंड, तो आप लोग भी बताएंगे ये मतलब है, यानी अभी के लिए इतना ही। सो ये तो सॉन्ग फरहान अख्तर का जो है, और गाया जो है प्रसून, और प्रसून जोशी ने मेरे ख्याल से गाया, प्रसून जोशी, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी के लिए इतना ही, हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, और हाँ लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आप लोगों से कितनी सपोर्ट मिल रही है हमें। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।